विकास, अरे वो कमरा साफ कराओ यार। वो बुढ़पक बिट्टू आया, सुसरा हमारे बुरे कामों के बारे में पूछ रहा था। हाँ थोड़ा बहुत खून खराब हो गया, पर पहुंचा दिया उसको अपनी जगह पे हम। हाँ साफ कराओ माते। सर सर हम लाइव है, लाइव लाइव है। हाँ सर हम लाइव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो बकचोदी के फार्म में, क्योंकि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ बकचोदी करने के लिए हम खड़े होते हैं। तो दोस्तों, मानसून आने के बाद मुंबई की सड़कों पर दिखे गड्ढे, वहाँ से गुजरती कई गाड़ियों का उसमें फंस गया पहिया, जिसे देख के सोशल मीडिया के लोगों ने कहा माचिदाए दुनिया हम तो बनाएंगे। कौन सा गाना था वो? हाँ कुंडी लगा लो सैया। खैर गड्ढे से पहिया और कमरे से सैया दोनों बाहर आ गए। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, देश में हर नेता के घर पड़ रहे हैं सीबीआई के छापे, जिससे डर के सारे नेता इधर उधर भागे। लेकिन उसमें से एक नेता है जिनका कहना है चार चवन्नी घोड़े पे सीबीआई मेरे हरामी है। ऑडियंस समझ गई क्या बोलने वाला हूँ? समझ गया। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको अपने संवाददाता बिट्टू से, जो गए हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। हेलो बिट्टू। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं बाहर लगाऊं। सर सर लाइव हो रहा है। लाइव लाइव आ गए? हाँ जी सर लाइव आ गए। वो शेड की बता दिया करना सर। लौड़ा सर वो तो रात को है ना। चुटिल माइक 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 इजली सर लीजिए माइक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिट्टू। तो आज हम आए इंटरव्यू लेने के लिए नेताजी को। आप में से कई लोग जानते होंगे नेताजी को। एकदम एकदम नहीं पहचान पाए आप, क्योंकि मैं भी नहीं जानता, कुछ भी कहीं भी भेज देते चूतिए लोग। तो आज हम आए नेताजी जिनका नाम है, एक मिनट नाम क्या है इनका? अच्छा इनका नाम है मिस्टर गांडू घोटाला। सर गानू गानू गानू। अच्छा मिस्टर गांडू नहीं, मिस्टर गानू गानू घोटाला जी। तो आइए अंदर चलते हैं और इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। और तेज करो, और तेज करो, थोड़ी जान लगाओ बे। अबे हम भी तो वही बोल रहे हैं, जोर से करो थोड़ा। अबे तुम में ताक अच्छा अरे सुषमा तुम हो कौन पहले हमको ये बताओ। मैं सर वो कौन सा चैनल है अपना? हाँ सर बकचोदी के फार्म से है सर, बात हुई थी सर इंटरव्यू। ओ बिट्टू। हाँ 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 आवा बिट्टू आवा बैठा आओ। हाँ हम ये कह रहे अब ससुरा फोन। अरे हम ये कह रहे उस लकड़ी को जल्दी काट के यहाँ ले आओ। हाँ तुमसे एक सूखी लकड़ी नहीं कट रही है। हाँ जल्दी लाओ, हमारे इंटरव्यू वाले आए हैं, अब हमको टीवी पे आना है। हाँ बकचोदी नहीं चाहिए हमको। हाँ ठीक है आ बिट्टू बैठा। चालू हो गया सर? चालू हो गया। हाँ जी क्योंकि बता दिया करना। नमस्कार दोस्तों, तो आइए नेताजी इधर ही बैठे हैं, उनका इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। लेकिन इंटरव्यू से पहले हम थोड़ी उनकी तारीफ कर देते हैं। हाँ माना वो तारीफ बिल्कुल ही काबिल नहीं है, पर तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब जिसका खाएंगे उसकी तो थोड़ी तो बात करनी पड़ती है ना। तो इनके घर आने से पहले हमने इनकी बीवी से बात किया, तो इनकी बीवी बहुत अच्छी थी, दिल की भी अच्छी थी और मतलब सब जगह अच्छी थी। तो उन्होंने बताया बहुत गरीब फैमिली से, ये जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, ये उनका मतलब इनकी मैक्सिमम सैलरी इनकी ईएमआई में चली जाती है, पैसे तो बचते ही नहीं है। है ससुरा पीठ हमारी, एक तो ये गद्दा भी हमको ही बिछाना पड़ता है अपनी कुर्सी का। बिल्कुल वैसे नहीं बचते।
तो गांडू सर गांडू नहीं, नहीं मैं गांडू ही कह रहा हूँ। चश्मा कहाँ गया सर? जी बिट्टू कहिए सर। सर मत करो सर, ये लाइव है सर ये। तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे, तो ये जो आपका नाम है गानू घोटाला, तो ये जो घोटाला सरने में ये कैसे पड़ा, मतलब ये पहले से था या आपके कामों के कारण? जी कामों के लिए तो दुनिया हमको चूतिया कहती है। अच्छा हाँ जी, मैं भी कहता हूँ ऐसे कुछ नहीं। क्या कह रहे थे? हाँ जी जी, वो हमारे दादा थे, उन्होंने बहुत घोटाले करे, उनका नाम घोटाला। अच्छा अच्छा, फिर जो हमारे पिताजी, उन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले करे, उनका नाम घोटाला। और जी हम भी घोटाला, और हमारा बेटा विकास वो भी तो इसी लाइन में घोटाला कर रहा है, मतलब उसका नाम घोटाला है। हम आपको अभी बात करा देते हैं। हेलो विकास, हाँ घोटाला कर रहे हो? हाँ नाम जी डूबना चाहिए बेटा, करो करो। हाँ जी अच्छा सर अच्छा। तो नेताजी, हाँ जी मेरा दूसरा सवाल है ये आपसे कि मतलब ये अपने देश के लिए योगदान में आपने क्या क्या किया है, मतलब सारे नेता करते हैं तो आपका योगदान क्या है देश के लिए? जी आपने भी कौन सी बात उठा दी। जी देश के लिए मैंने सबसे अव्वल नंबर पे अपना विकास और प्रगति की है। विकास और प्रगति हमें दिखते तो नहीं है, मतलब विकास और प्रगति कहाँ है? विकास और प्रगति जी आपको कैसे दिखेंगे? मतलब अभी वो स्कूल गए हैं ना, मेरा बेटा विकास और मेरी बेटी प्रगति। आप इस योगदान की बात कर रहे थे? तो आप कौन से योगदान की बात कर रहे थे? नहीं मेरा मतलब वो नेताजी बनाते हैं, मतलब वो बिल्डिंग हॉस्पिटल स्कूल वैसे योगदान। अरे नेता बिट्टू जी, हमें टाइम कहाँ मिलता है इन सब चीजों से। सर आप नेता भी तो इसी काम के लिए बने ना, मतलब फिर आप करते क्या है, आपका टाइम कहाँ जाता है सारा? जी टाइम हमारा बहुत बहुत चीजों में जाता है। अच्छा, बहुत चीजें होती हैं जी, बहुत चीजें हैं। हाँ तो नेता जी, तो मेरा तीसरा सवाल है आपसे, ये जो आप मतलब 20 साल से नेता हैं, तो 20 साल से जो आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो मतलब कैसे मेंटेन किया आपने इस कुर्सी को? काफी मुश्किलें आई होंगी, मतलब अपोजिशन भी बहुत होगी, तो मेंटेन कैसे रखा आपने कुर्सी को, मतलब क्या किया आपने, आपका मास्टर प्लान क्या है? जी देखिए मेरा कोई मतलब ऐसे मास्टर प्लान तो नहीं था, और मेहनत जी मेहनत मैं जेब में रखता हूँ, सीधी बात। जेब में रखते हैं मतलब समझे नहीं हम कुछ। जी मतलब ये जो ये इस मेहनत के आगे दुनिया नाचती है जी, दुनिया नाचती है इस मेहनत के आगे। ये मतलब कैसे, ये सीट जिताने के लिए कैसे काम आता है? अरे बिट्टू जी आपको डेमो दिखाना पड़ेगा मेरे को। हाँ दिखाइए सर डेमो। हेलो अपने सारे पंटरों को बोल दो कि दो पेटी से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगी एक वोट के बदले। ये पेटी किस चीज की जी? मैं समझे नहीं, ऑडियंस समझदार नहीं इतनी। दारू। हाँ जी वहां दो पेटी ज्यादा नहीं सर, चार वोट मिलेंगे, दो पेटी दिलवा दो, दो पेटी सर, चार वोट मिलेंगे सर। पता भेज दियो। ओके सर, ओके ओके, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना? अच्छा सर समझे, आपका मास्टर प्लान सर का बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान है, और ऐसा लगता है कि अगले 40 साल तक यही जीतते रहेंगे। तो नेता जी हमारे पास थोड़ी देर पहले सूत्रों से एक वीडियो आया जिसमें आप रिश्वत लेते हुए दिख रहे हैं, तो हम आपसे पूछते हैं ये खबर सच है या झूठ? दोस्तों ये खबर बिल्कुल झूठी है। सर लाइव चल रहा है, लाइव चूतिया तेरी सैलरी से ज्यादा वैसे गिरे में उठा ले। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था खबर बिल्कुल ये खबर बिल्कुल झूठी है, पता नहीं किस चूतिया ने वीडियो बना दी। हट नेता जी तो बहुत ईमानदार है। हाँ तो सर मेरा अगला सवाल है आपसे, तो इस बार आप 200,000 वोट से जीते हैं, 200,000 वोट से जीता कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो कैसी मुश्किलें आई आपको? जी मतलब ऐसे कोई मुश्किलें तो नहीं आई, पर जी मेहनत बहुत करी मैंने। कैसी मेहनत जी? 200,000 पर्चियों पे नाम लिखना कोई आम बात थोड़ी है। किसका नाम लिखा आपने? जी मेरा नाम लिखा होगा मैंने, तभी तो जीता हूँ मैं। मतलब आपने आपने ये तो भ्रष्टाचार मतलब। जी देखिए मैं सारे काम अपने खुद ही कर लेता हूँ, मैं वोट भी दे देता हूँ, मैं अपने परिवार की वोट भी दे देता हूँ,
आपकी रिपोर्ट मैं दे दूंगा। नहीं नहीं तो ठीक है ठीक। नहीं आपकी रिपोर्ट मैं दे दूंगा। नहीं नहीं तो ठीक है। हाँ जी तो सर अगला सवाल और इस शो का आखिरी सवाल ये है हमसे कि सर मतलब ऐसे नेताओं के सिर्फ अच्छे काम नहीं होते बुरे काम भी होते हैं तो आपके बुरे काम बताइए कुछ। जी देखिए मैं अपने बुरे काम बिल्कुल बताऊंगा बिल्कुल। तो देखिए आप आपने सुना होगा अभी सरकार ने फ्लाईओवर का बजट दिया था। हाँ दिया था सर बिल्कुल दिया था पर फ्लाईओवर बना नहीं। कैसे बनेगा जी मैंने फ्लाईओवर कर दिया ना। मतलब अरे बुड़बक हम बाहर देश घूमा है उस पैसे से। फ्लाई ओवर। जी बिल्कुल फ्लाई ओवर। अच्छा जी बैंकॉक गए यार मसाज कराए। सर ऐसे तो बजट हॉस्पिटल के लिए भी मिला था फिर उसका क्या हुआ। जी बिल्कुल मिला था बिल्कुल मिला था पर जी हमारे घर में कोई बीमारी नहीं था तो हम सोचे कहा करे उस पैसे का कहा करे। तो जी हमारी एक पथरी बचपन से है किडनी के नीचे उसका इलाज करा लिए हम। और वो स्कूल का जो बजट मिला था उसका। जी देखिए हम तो पढ़े लिखे खूब हैं और हमारे घर में भी सब पढ़े लिखे हैं तो जी हम उस पैसे को रख लिए। ये दीवार देख रहे हैं। हाँ सर क्या। और ये दीवार देख रहे हैं। हाँ सरकारी स्कूल का बजट है इनमें। मतलब आपने पैसा चुनवा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल चुनवा दिया हम पैसे। तो मतलब आपको ऐसा डर नहीं है कि आपने सारे राज खोल दिए तो आपकी सीट को खतरा हो सकता है मतलब सीबीआई की रेट भी बढ़ सकती है आपको। जी देखिए डर तो है पर डर तब लगेगा ना जी जब ये वीडियो टीवी पे जाएगी। आप मतलब ये अभी रिकॉर्डिंग हो गई है हम इसे जाके टीवी पे डाल देंगे। जी देखिए बिट्टू जी रिकॉर्डिंग तो हो गई पर टीवी पे नहीं जाएगी ये। मतलब मतलब जानना है आपको। आपसे आए तीन पहले बंदे भी आए थे उन्होंने भी मतलब पूछा था मतलब जानना नहीं, है सर, मतलब नहीं जानना। विकास तुमको चाहिए थी ना लाश भिजवा रहे हैं। अरे लाइट बंद करो रे।